हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आप लोग आई होप सब बड़े होंगे। सो गाइस, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर 4K सब्सक्राइबर। शायद ही वीडियो अपलोड करने तक मेरे 4K हो जाएं या फिर इस वीडियो के बाद 4K हो जाएं। तो थैंक यू सो मच यार आप सभी को जिन्होंने भाई सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया, इतना मस्त प्यार दिखाया भाई, थैंक यू सो मच यार। और मैं थैंक यू कहकर मैं अपनी खुशी को मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट आप लोग समझ जाना यार कि एक क्रिएटर को कितनी खुशी होती है जब वो अपने छोटे मोटे अचीवमेंट कंप्लीट करता है। तो थैंक यू सो मच भाई लोग दोबारा से जिन्होंने सब्सक्राइब किया और इतना सारा प्यार दिखाया, थैंक यू सो मच। और हाँ गाइस, ये जो बैकग्राउंड में गेम प्ले चल रहा है ये मेरा ही गेम प्ले है, ठीक है। अब वैसे यार मैंने पिछली वीडियो में जो मॉन्टेज आया था उसमें कुछ कमेंट आ रही थी कि भाई तू हैकर है, हैक यूज कर रहा है, एम बॉट वगैरह लगाया हुआ है, ऐसा वैसा। सो गाइस भाई यार कैसे सोच लिया यार भाई तुम लोगों ने, मतलब कैसे सोच लिया भाई। सो गाइस एडम समझ के ये मत समझना कि यार भाई हैक वगैरह लगाया हुआ है, ठीक है। ये मेरी इंडोनेशिया सर्वर की आईडी है और जैसे कि आपको पता होगा बाहर के सर्वर में अनलिमिटेड कस्टम मिलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, मैं और मेरा फ्रेंड ने यहाँ पर इंडोनेशिया सर्वर की आईडी बनाई थी, तो हम वहाँ गए थे, वहाँ से कुछ गेम प्ले मतलब कस्टम वगैरह खेले मैंने और यहाँ पर जो भी मेरे हेडशॉट वगैरह लगे थे उसकी मैंने क्लिप वगैरह बनाई हुई है यार। तो भाई हैकर मत बोलो यार भाई, दिल से बुरा लगता है भाई, हैकर नहीं है भाई। जो लोग भी मेरी फ्रेंड लिस्ट में है या फिर जो लोग भी मुझे जानते हैं, जो लोग जिनके साथ मैंने गेम वगैरह खेले हैं, उनको पता है कि भाई मैं मेरा गेम प्ले कैसा है, फिर मैं कैसा खेलता हूँ, मैं हैकर हूँ या फिर नहीं। तो ये चीज मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है यार, और हैकर नहीं भाई, मतलब हैकर नहीं हूँ भाई, ठीक है। हैकर मत बोलो यार भाई, भाई बुरा लगता है भाई, हैकर तो मत बोलो यार भाई, जो भी है बस नॉर्मल गेम प्ले गाइस, ठीक है, नॉर्मल गेम प्ले। दोबारा बोल दूँ सीरियस होके नहीं हूँ हैकर यार भाई, दोबारा बोल दूँ, ऐसा मत समझना। और गाइस आज की इस वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूँ सब्सक्राइबर की सेटिंग को ऑफ कोर्स, और इस वीडियो में हमको सेटिंग भेजी है नंदू सीजेड करके एक सब्सक्राइबर, तो बिग शॉट टू नंदू सीजेड। और भाई ने यहाँ पर अपनी सेटिंग भेजी हुई है कंप्लीट और बोला है कि भाई थोड़ी लो सेंसिटिविटी है गाइस, ठीक है, थोड़ी लो सेंसिटिविटी है और इसमें आपको रिकॉइल भाई बहुत कम रिकॉइल देखने को मिलने वाला है, मतलब रिकॉइल आपका बहुत कम हद तक होगा। सो बहुत मजा सेटिंग है, लोग वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना यार भाई, अगला टारगेट हमारा रहेगा 5K सब्सक्राइबर का। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपनी सेटिंग कमेंट कर देना ताकि अगली वीडियो में आपकी सेटिंग को जरूर से ट्राई करूं और कर देना भाई, ठीक है। सो अभी चलते हैं यहाँ पर एमुलेटर स्क्रीन पे, सारी सेटिंग अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या इसमें हेडशॉट वगैरह लगते हैं फिर नहीं। और वंस अगेन गाइस थैंक यू सो मच फॉर 4K सब्सक्राइबर। सो गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं ब्लूस्टेक 4 एमुलेटर पे, तो यहाँ पर जनरल की सेंसिटिविटी जो बोली है वो यहाँ पर 0 पे है और रेड डॉट यहाँ पर 100 पे है। बाकी आप लोग यहाँ पर अपना डिफॉल्ट अपना ट्राई कर लेना, जो भी आपकी डिफॉल्ट सेंसिटिविटी है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। बाकी गाइस यहाँ पर की मैपिंग वगैरह में कस्टम मोड में कुछ नहीं है, सीधे यहाँ पर एडवांस सेटिंग में चलते हैं की मैपिंग पे। सो यहाँ पर एक्स और वाई यहाँ पर आपको बताता हूँ, सो यहाँ पर इसको राइट क्लिक करना है आपको इस पर। सो गाइस यहाँ पर जो एक्स सेंसिटिविटी जो भाई ने बताई हुई है वो है यहाँ पर 1.38 पे, ठीक है, 1.38 भाई बहुत ज़्यादा लो है यार, लिटरली बहुत ज़्यादा लो है। और जो वाई सेंसिटिविटी है वो यहाँ पर 2.1 पे है और जो ट्वीक्स है यहाँ पर वो है डिफॉल्ट 16,450, आपको जो डिफॉल्ट रहता है वो यहाँ पर डिफॉल्ट है आपका। सो सेंसिटिविटी आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस बहुत ज़्यादा लो है, वाई सेंसिटिविटी भी कम है और जो एक्स सेंसिटिविटी वो तो भाई बहुत ज़्यादा कम है। सो देखते हैं गाइस मूवमेंट स्पीड थोड़ी सी लो होने वाली है, तो जो लोग भी लो सेंसिटिविटी में खेलते हो भाई उनके लिए बेस्ट सेटिंग है, नो रिकॉइल सेटिंग है। सो आप लोग ट्राई जरूर से करना। सो गाइस उसके अलावा आपको यहाँ पर अपना BS स्पीकर ओपन कर लेना है, ठीक है। BS स्पीकर आपको यहाँ पर अपने वाला रिजोल्यूशन वगैरह, शायद वैसे रिजोल्यूशन आप इसमें आपको BS स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, ठीक है, क्योंकि जो इसका DPI और जो रिजोल्यूशन है वो यहाँ पर आपको अपने एमुलेटर में मिल जाएगा। तो उसके लिए आप अपना मतलब BS स्पीकर आपके पास नहीं भी है तो भी मतलब तब भी चलेगा, ब्लूस्टेक 4 आपको रूट किया हुआ है या फिर नहीं तब भी आप इस सेटिंग को ट्राई कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पर आपको जो रिजोल्यूशन दिया हुआ है वो है यहाँ पर 1280x720 पे, ठीक है, यहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा एमुलेटर में। और जो DPI गाइस यहाँ पर डिफॉल्ट मतलब आपके जो यहाँ पर एमुलेटर में रहती है वो यहाँ पर 320 पे, ठीक है, 320 आपका एमुलेटर में मिल जाएगी। शायद आपके ब्लूस्टेक 4 में जो 3 DPI होती है उसमें आपको मिल जाती है 320, तो यहाँ पर आपको रूट करने की जरूरत नहीं है। सो आप इसको अप्लाई वगैरह कर देना यहाँ से। और उसके अलावा यहाँ पर आपको सर्च करना है माउस सेटिंग, ठीक है गाइस। माउस सेटिंग में भाई ने यहाँ पर एक गेमिंग माउस की मतलब एक गेमिंग माउस की सेटिंग दी हुई है, 1000 DPI की सेटिंग दी हुई है। सो अगर आपके पास एक गेमिंग माउस है तो आप लोग यहाँ पर 1000 DPI सेट कर लेना और जो पॉइंटर ऑप्शन को होता है उसको यहाँ पर 6 नंबर पर रख लेना अगर आपके पास गेमिंग माउस है तो। जिनके पास गेमिंग माउस नहीं है उनको यहाँ पर जो पॉइंटर का है उसको फुल पे रख देना है, फास्ट पे जितना होता है फास्ट पे रख लेना आपको, तो आपकी सेटिंग यहाँ पर मतलब परफेक्ट मैच हो जाएगी, ठीक है। सो आपको अगर आपके पास गेमिंग माउस नहीं है तो आप उसको फास्ट पे रख लेना। सो उसको ओके करते हैं। और बाकी दूसरा गाइस यहाँ पर आपको सर्च करना है कंट्रोल पैनल और इधर आपका एस ऑफ एक्सेस में जाना है आपको, फिर एस ऑफ एक्सेस सेंटर, फिर मेक योर माउस इजर टू यूज, फिर सेटअप माउस कीज। और जो गाइस यहाँ पर टॉप स्पीड जो भाई ने यहाँ पर दी हुई है वो यहाँ पर आपको रखनी है 2 पे और जो एक्सेलरेशन रखना है वो यहाँ पर रखना है आपको 0 पे गाइस, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई बहुत ज़्यादा लो सेंसिटिविटी है, माउस की भी यहाँ पर देख सकते हो, तो माउस की जो माउस का पॉइंटर वगैरह है माउस स्टेबल बहुत ज़्यादा रहने वाला है इसमें इस सेटिंग में। सो आपको यहाँ पर फिर मेन पे आना है और अब यहाँ से आपको अपना ब्लूस्टेक एमुलेटर स्टार्ट कर लेना है फाइनली।
सो अभी यहाँ पर आपका एमुलेटर स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस जो लोग भी यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो भाई, थैंक यू सो मच यार भाई, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही। और एक बार इस सेटिंग को जरूर से ट्राई करना, जो लोग भी लो सेंसिटिविटी में खेलते हो जरूर से ट्राई करना एक बार सेटिंग को, बहुत मस्त हेडशॉट लगेंगे आपके, मैं गारंटी देता हूँ यार। मैं गारंटी भाई, मैं ऐसी सेटिंग नहीं दूंगा कि आपको भाई कुछ भी सेटिंग नहीं दूंगा, जो भी सेटिंग लाता हूँ मैं भाई बेस्ट होती है। और यार आप लोग भी भाई समझो इस बात को, क्योंकि यार मैं जो सेटिंग ट्राई करते रहता हूँ ना उसमें गाइस मेरी खुद की सेटिंग भी बिगड़ जाती है भाई बहुत बार। तो भाई इतना इसको प्रैक्टिकली लो यार एक बार, ठीक है। तो यूट्यूब पे वीडियो डालना भाई इजी नहीं रहता यार, बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है, तो भाई समझो उस बात को और उसी के हिसाब से भाई सपोर्ट किया करो यार भाई, ठीक है। तो कर दिया करो और लाइक भी कर देना गाइस, ठीक है, लाइक कर देना। सो अभी यहाँ पर हमने सेटिंग वगैरह देख ली सारी, कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है। सो अभी यहाँ पर चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में, वहाँ पर सारी सेटिंग अप्लाई मैंने जो करी है उसको रिजल्ट देखते हैं, क्या इसमें हेडशॉट वगैरह लगते हैं फिर नहीं। सो लेट्स गो गाइस ट्रेनिंग पे चलते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैं आ चुका हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में, और सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मूवमेंट स्पीड दिखाता हूँ। तो गाइज मूवमेंट स्पीड में मैं आपको अगर सही बताऊँ तो गाइज मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, मतलब उतनी भी कम नहीं है, बट जो लोग कम लो सेंसिटिविटी में खेलते हैं उनके लिए बेस्ट है। अब मेरे को यहाँ पर माउस कुछ ज़्यादा ही मतलब रोटेट करना पड़ रहा है तभी यहाँ पर मेरा मूवमेंट हो पा रही है, बट मतलब उस हिसाब से सही है। और आप यहाँ पर हेडशॉट देख सकते हो गाइज, परफेक्ट यहाँ पर आपका ड्रैग हो रहा है, और भाई एम लिटरली रेड नंबर आप देख सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा रेड नंबर देखने को मिल रहे हैं भाई, देख सकते हो आप यहाँ पर। कोई भी यहाँ पर मैंने कुछ गलत चीज़ भी यूज़ भी नहीं करी है, जो सेटिंग है आप लोग के सामने है यार भाई, कुछ भी गलत मत समझना। और जो लोग भी यार रेड मतलब लो सेंसिटिविटी में खेलते हो, अगर आपको नो रिकॉइल चाहिए तो आप लोग इस सेटिंग को जरूर से ट्राई कर सकते हो। मैं भी यहाँ पर लो सेंसिटिविटी में खेलता था बहुत पहले, बट अभी थोड़ी सी मैंने हाई सेंसिटिविटी मतलब ट्राई कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आ रही है लो सेंसिटिविटी में। बट जो लोग भी हाई सेंसिटिविटी में खेलते हो, अगर आपको लो सेंसिटिविटी में खेलना है तो थोड़ा स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट जो लोग भी लो सेंसिटिविटी में खेलते हो परफेक्ट सेटिंग है गाइस, जरूर से ट्राई करना इस सेटिंग को। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, सेटिंग जरूर से ट्राई करना भाई, बहुत जेन्युइन सेटिंग है, मजा सेटिंग है। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई अपनी सेटिंग भी कमेंट कर दो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह से हम एमुलेटर से सेटिंग से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, और अगर आपको कुछ और वीडियो भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। सो यही था गाइस इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चल मैं मिलता हूँ गाइस सबसे अगली में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।